खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी का सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है और सीसीटीवी से अयोध्या के सभी मार्गों व मंदिरों पर निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम पर हमेशा तैनात सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। बावजूद इसके कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या के आम जनमानस और श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना जागृत कराने के लिए सीआरपीएफ के साथ पुलिस के अधिकारियों ने अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में सावन मेले को लेकर विशेष तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 2 साल कोरोना काल के बाद पड़ रहे कांवड़ यात्रा मेले को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अयोध्या सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि सावन झूला मेला, कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार को देखते हुए सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई गई है। छोटे छोटे सेक्टर में बांटकर अयोध्या की सुरक्षा की जाएगी। बड़ी संख्या में बाहर से भी सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। राम की नगरी में हर प्रमुख स्थल पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। हर छोटे बड़े वाहनों पर निगरानी की जाएगी। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए मठ मंदिर और उनके महंतों को भी सुरक्षा दी गई है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। देखिए, सावन मेले की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीएफ और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, उनको लगे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और उनके साथ है। साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको जो भी सुविधा हमारे द्वारा दी जा सकती है, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यातायात व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है कि जिन ऑटो रिक्शा, टेम्पो और ई रिक्शा के पास डीएल है नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पे चलने नहीं दे रहे हैं। जिनके पास डीएल है, वही वैधानिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए अधिकारी है, इसलिए उन्हीं को आने की अनुमति है।